बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद साजमा में आप सबको वेलकम। और आज हम बहुत ही डिफरेंट टाइप के कबाब बनाने जा रहे हैं, और उसके लिए जो इसका नाम है चिकन पोटैटो क्रिस्पी कबाब, बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के बनते हैं। हर कबाब में कुछ ना कुछ नया डिफरेंट जाता है। इस कबाब में सबसे पहले जो हमने इंग्रेडिएंट लिया है वो है 2 बड़े आलू बॉयल एंड मैश्ड कर लिए हैं इसको अच्छे से। ये 1 पाव चिकन है, इसको भी हमने अच्छे से बॉयल करके शेडेड कर दिया इस तरीके से। ये 2 दरमियानी साइज़ की प्याज हैं, इसको बारीक बारीक अंडे वाला चॉप कर लिया है। और ये जो है ये है 2 टेबल स्पून पुदीना, इसको मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है। ये है आधी गड्डी धनिया की, इसको भी फ़ाइन चॉप कर लिया है। और ये है चावल का आटा, इस ये बिल्कुल फ़ाइन ऐसे भुरभुरा से बिल्कुल आटा है, ज़्यादा मोटा वाला नहीं है, इसको घर में नहीं पीसा मैं, घर ये हमने रेडीमेड लिया है। ये 1 कप भर के लेना है। ये कुटी हुई लाल मिर्ची है, ये है चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून भर के, ये 4 दरमियानी ये 4 हरी मिर्चें हैं, इसको मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। 1 टेबल स्पून नमक जाएगा इसमें, हसबे जायका जाएगा नमक, आपको जितना पसंद हो। और 1 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर जाएगी इस तरह से। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमने 2 प्याज काटी थी इस तरह फाइन चॉप, हम वो इसमें ऐड कर देंगे ये खाली बॉल में, ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे हम इसको। अब इसमें पोटैटोज़ जाएंगे, बॉयल हुए हुए पोटैटोज़ हम इसमें ऐड कर देंगे। हम इसमें अपनी चिकन ऐड कर देंगे। वो सारी चिकन बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये कबाब, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और अम्मी भी हैं मेरे साथ, और निमरा नहीं है, अम्मी सलाम कर लें। हाँ भी अस्सलाम वालेकुम, और कैसे हैं आप लोग? आज हमारा कैमरा मैन अम्मी है, कैमरा वूमैन। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, और ये नमक है, ये हरी मिर्चें हैं, ये चिकन पाउडर है, सारे इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड कर देंगे। धनिया भी इसमें हम ऐड कर देंगे, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हमने ऐड कर देनी है जितने इंग्रेडिएंट है। और पुदीना भी हम इसमें ऐड कर देंगे, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है हरे भरे कबाब। हम इसमें चावल का आटा भी ऐड कर देंगे अपना सारा का सारा। ये है तो हमारी अम्मी की रेसिपी जिसको बनाने में आज जा रही हूँ, मैं अम्मी से सीख रही हूँ ये वाले कबाब बनाना। अम्मी ने बोला बनाओ भी और रेसिपी भी बनाओ साथ, आज ज़रा सा सुकून है ना कर। अम्मी इसमें पानी डालना है नहीं डालना? इसमें पानी बिल्कुल नहीं डलेगा। अच्छा, इसी में हो जाएंगे। चलो मैं इसको हाथ के साथ अच्छी तरह, मैंने हाथ धो लिए भाई, अपने हाथ धो के स्वच्छ से हम इसको बाइंडिंग के तौर पे लाना है अम्मी, जैसा आटा गूंथते हैं बिल्कुल वैसे ही। और जितना इसमें बारीक सामान कटेगा ना, बारीक प्याज बारीक हरी मिर्चें, उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये देखिए अब ये ना जुड़ना शुरू हो रहा है, बड़ी मेहनत लगी है इसको, मैंने कतरा इसमें पानी नहीं डाला है। अम्मी ने बोला मेहनत करो तुम, सांस फूल गए, सांस फूल गया मेरा, सांस फूल गए। और ना मैं सांस का तो फूलता ही फूलता है, सुबह होगा फूल रहा है सांस। ये मतलब इसमें मेहनत लगेगी थोड़ा सा इसको मिक्स करने में ना, आप लोग अगर चावल का आटा है ना बेटा ये, मतलब इसमें पानी नहीं मिलाना, पता चलेगा किसी ने चीटिंग कर दी पानी मिला के। अगर मैं अम्मी नहीं होता तो मैं तो पानी ज़रूर मिलाती कि भैया बाइंड नहीं हो रही है। नहीं नहीं फिर मज़ा नहीं आएगा। हाँ ये ऐसा बाइंडिंग के तौर पर इसको लेकर आना है हमें कि बिल्कुल जैसे आटा गूंथते हैं ना। अली को लग रही है बहुत शदीद भूख, ये देखें ये हमारा आटा बिल्कुल मिक्स हो गया है ना। हाँ सही है ना अम्मी? हाँ अब हम इसके कबाब फ्राई करेंगे।
बहुत ही मज़ेदार कबाब होते हैं ये, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और ईजी बहुत है, लेकिन इसको फ्राई करने में टाइम लगेगा। इसको हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, बिल्कुल हम इसको स्लो फ्लेम पे 8 मिनट एक तरफ से, 8 मिनट दूसरी साइड से हम सेकेंगे इसको अच्छे से। अभी टर्निंग पॉइंट इसका नहीं आया है, जब हम इसको टर्न करेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे। ये 8 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको टर्न करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो देखें सारे से ऐसे करके हम इसको टर्न कर देंगे। हम ये वाली साइड से भी इसको 7 से 8 मिनट तक फ्राई करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। ये हमारे कबाब इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, शैलो फ्राई किए मैंने इनको और ये क्रिस्पी क्रिस्पी से हो गए हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे, फ्राई हो गए हैं, हम इसको डिश आउट कर देंगे। ये हमारे कबाब रेडी हैं, अब इसको तोड़ के दिखाते हैं। लेकिन है भी बहुत गर्म, ये देखिए चिकन के ऊपर से बहुत क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसको केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ आप सर्व करें। अपनी दुआ में हम सबको याद रखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे लगे आपको कबाब। और आज भी हम बहुत जल्दी में, आज भी हम बहुत जल्दी हैं, जुम्मे का दिन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बहुत टेस्टी बने, मम्मी की रेसिपी कामयाब हो गई, हमें सीखने में कामयाब।